हेलो, तो आज की जो रेसिपी है वो मेरे वेजिटेरियन दोस्तों के लिए है, जिन लोगों को प्रोटीन चाहिए लेकिन कैसे मिलेगा। तो सबको पता है ना कि मैं सूरत से हूँ, तो हम सूरत से हैं और हमारे सूरत की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है विच इज़ अ नॉन वेजिटेरियन तपेलू। तो मैंने सोचा कि जिन लोगों को वेज में ये डिश खानी होगी वो लोग कैसे खाएंगे, तो आज हम वही वाली रेसिपी, नॉनवेज वाली रेसिपी को वेज में बना रहे हैं, विच इज़ अ वेज सूरती तपेलू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार इंग्रेडिएंट है और जो बहुत ही सारी सीक्रेट्स है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वीडियो एंड तक देखना। तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ जैनी, फैकल्टी ऑफ स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कुकिंग एंड बेकिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो मसाला बनाएंगे जिसके बगैर ये रेसिपी बन ही नहीं सकती, विच इज़ सूरती अदरक का, कच्ची हल्दी का मसाला। तो अगर ये रेसिपी बनाना सोच रहे हो तो ये मसाला तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो मसाला कैसे बनाते हैं और रेसिपी के इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी यहाँ पे एक जार और इसमें हम ऐड करेंगे कच्ची हल्दी, लहसुन डालेंगे और ये तीखी वाली ग्रीन चिली ही लेनी है, बिल्कुल भी कम तीखी मत लेना। और ये है अदरक, कच्चा नमक। तो ये मसाला जो है कुछ ऐसे पीसना है और इसी मसाले से टेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो किसी भी सब्जी में जाके बहुत ही अमेजिंग आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप इसको 15 दिन तक फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए, हमारा मसाला बन गया है, अब हम इससे शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो अब ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए अनियंस, लेकिन ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। देखो, ये अनियन लेने हैं आपको सिर्फ, और ये कट किया, और जो ये वाला पार्ट है ना, बस वो निकालो, और एक्स्ट्रा ये जो पत्तियां हैं वो निकाल दो। मुझे ज़्यादा ये वाला नहीं चाहिए, स्टिकी जैसा नहीं चाहिए, राइट। तो अनियन को ऐसे कट कर लेंगे। दूसरा जो है मेरा एलिमेंट है विच इज़ अ बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न के पहले तो ये दो पार्ट निकाल लो और बस ऐसे ही चॉपिंग करनी है। ये बड़ी वाली चॉपिंग रखनी है बेबी कॉर्न की। देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे मशरूम है, लेकिन मशरूम को वॉश करने से बेटर है कि इसकी ना ऐसे स्किन निकाल लो, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। देन इसके बाद हम मशरूम्स को कट करेंगे। तो ये थोड़े छोटे हैं तो मैं 1 के 2 ही कर रही हूँ, अगर बड़े मशरूम हैं तो आप 1 के 4 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक कुकर, और कुकर में हम डालेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, और इसी के साथ बटर। अब ये वाला जो मसाला है ना, वो थोड़ा सा सीक्रेट है, किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ, आप किसी को मत बताना। ये है लौंग, जावित्री और तज। सारी चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लिया है, लेकिन बहुत बारीक नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा है। तो ये जो मसाला है इसको हम ऑयल के साथ ऐड कर देंगे। अब इसके साथ मैं ले रही हूँ ये सोया कीमा, जिसको बॉईल किया हुआ है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे इसी मसाले के साथ। इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक आपको ऐसा लगे कि मसालों के साथ ये जो कीमा है वो कोट हो गया है बहुत अच्छे से। तो हम इसको अच्छे से सौते करेंगे, जस्ट ज़्यादा मत करना, 2 से 3 सेकंड के लिए चलेगा, ओके। अब मीट को रिप्लेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं सोया बीन की बड़ी, यानी कि सोया चंक्स, इसको भी हम अंदर ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये जो है वो अलग से ही एक बहुत अच्छा मसाला, इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। इसमें है मगज तरी, यानी कि मेलन सीड्स, होल कोरिएंडर, और इसके साथ है ब्लैक पेपर। आपको इसको मिक्स करके सारी चीज़ों को इसका पाउडर बनाना है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कौन सा मेजरमेंट लेना है, इससे इसकी ग्रेवी जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है। तो ये मसाला हम डालेंगे अच्छे से। और दूसरा एक जो ये मसाला है, ये मिलता है सूरत में चीबा वाला करके मसाला है, जहाँ पे ऑथेंटिक मसाले मिलते हैं, तो ये चीबा वाला के यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो ये चीबा वाला का मसाला हम डालेंगे यहाँ पे अच्छे से। वापस से ये सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स मसालों के साथ,
ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बेबी कॉर्न्स। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, मेरे पास फ़िलहाल इतने ही थे। और ये है मशरूम्स, और इन सारी चीज़ों को हमने वापस से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ये जो अनियंस हम लोगों ने रखे थे ना, ये अनियन को ऐसे ही रख देना है, हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है इसको। और इसके ऊपर हमारा जो ये स्पेशल मसाला हमने पीसा था वो मसाला पूरा स्प्रेड कर देना है। इसको भी बिल्कुल भी आपको मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। और इसके ऊपर मैक्रोनी का लेयर करेंगे हम। और इसमें मुझे ना ये सॉल्ट ही चाहिए, ये कच्चा नमक बोलते हैं, इसका पानी छूटता है और इससे जो टेस्ट आता है वो अमेजिंग होता है। तो भाई मेरे पास ना थाली नहीं थी, इंस्टीट्यूट में यही था तो हमने यही ले लिया। मैंने एक बोल लिया है स्टील का, जिसमें मैंने डाला है 1 से 1.5 कप जितना पानी डाला है। अब इसी के ऊपर इसको ना अच्छे से उबालेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये ना ऑथेंटिक होने वाला है, सेम अगर सूरती तपेलू बनाओगे ना तो यही प्रोसीजर फॉलो होती है। तो आपके बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं है और आपको कुछ न्यूट्रिशियस फूड खाना है तो ये रेसिपी डेफिनेटली आप खा सकते हो। और मीट को हमने निकाल दिया है, उसकी जगह पे सोयाबीन डाला है, तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी मीन्स हेल्दी के साथ टेस्टी भी है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करना। ये पानी जैसे ही उबलेगा वैसे हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसकी हम लगाएंगे सीटी। तो यहाँ पे मैंने मेरा हथियार ले लिया है क्योंकि मुझे बहुत गर्म लगता, तो ये जो पानी गर्म हुआ है ओके, उसको हम साइड से डालेंगे कुकर के अंदर। ओके, सो इसमें हमने पानी डाल दिया है, लेकिन आपकी जैसी आदत है कि पानी डालने के बाद मिक्स करना है, नहीं करनी है, पहले ही बोला था ना चम्मच नहीं लगाना है, बस अब करना है कुकर को बंद। शांति से 3 सीटी बजने दो, 5 मिनट के लिए स्लो पे रखो, कुकर ठंडा होने के बाद खोलो, बस हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेप बाकी है, वो हम देखेंगे बाद में। पांच मिनट हो गए, हाई फ्लेम पे 3 सीटी बजाई थी, अब इसको कुकर को ठंडा होने देंगे और उसके बाद देखेंगे ये कैसा दिख रहा है। कुकर ठंडा हो गया है और अब हम इसको खोल लेंगे। तो अब हम इसको खोल लेंगे, बस ये वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। और क्या खुशबू आ रही है मसालों की। तो इसको मैं पलटी मारूंगी इसके अंदर, ये जो मेरा एक बड़ा सा कढ़ाई है। रेसिपी रेडी हो गई थी जैसे कि मुझे चाहिए थी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन रेसिपी कंप्लीट करने के लिए मुझे तड़का लगाना पड़ेगा, तो चलिए लगा लेते हैं वो जादू वाला तड़का। यहाँ पे लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। आपको कम खाना हो तो कम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा होता है ऑयल। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ना बिल्कुल भी वो वाली हल्दी नहीं डाली थी, लेकिन इसका कलर देखो कितना अच्छा एंड ब्राइट है। यही वाला कलर आना चाहिए। अगर ये कलर आता है तो आपकी जो सब्जी बनाई है आपने, प्रोसीजर है, वो परफेक्ट है। तो ये जो है भाई वही वाला मसाला है जो मगज तरी के साथ हमने बनाया था। ये भी थोड़ा डालना है तड़के में ताकि खुशबू अच्छी आए। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। रेड चिली को काली नहीं होने देना है। तड़का हमारा रेडी है और मैं इसको ऐड कर रही हूँ इस सब्जी के अंदर। थोड़ा सा बटर और इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। और आप देख रहे हो कि इसके अंदर सोयाबीन है, मशरूम्स है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही है। और ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, जबकि हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला जिससे ग्रेवी गाढ़ी होती है। तो बातों बातों में हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो गई है, सूरती स्पेशल। मैं सूरत से हूँ और सूरती कम्युनिटी से हूँ, खत्री और सूरती दोनों प्रॉपर सूरत के लोग होते हैं और ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी बनाते हैं। तो अपनी सीक्रेट वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन ये खाई जाती है खमीनी पूरी के साथ, जिसको ना फर्मेंटेशन के साथ बनाया जाता है। अगर आपको उस पूरी की रेसिपी सीखनी हो तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, या तो फिर मेरा एक उंडियू का वीडियो है स्वाद का, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो पूरी सिखाई हुई है। लेकिन इसके साथ वो पूरी का कॉम्बिनेशन, ओ माई गॉड, मुझे खुद को बहुत पसंद है। तो अगर आपको भी वो वाली फील लेनी है सूरती वाली,
तो आप डेफिनेटली वो रेसिपी ट्राई करना और इस तपेलू को, वेज तपेलू को वही पूरी के साथ सर्व करना, बहुत ही अमेजिंग। मैंने अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर की है आपके साथ, अब आपको भी मेरे लिए कुछ करना है। इस रेसिपी को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इस रेसिपी के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और आपको हमसे और कौन कौन सी रेसिपी सीखनी है वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, मैं भूल गई थी, फारूक ने, हमारे सिनेमेटोग्राफर ने मुझसे पूछा था कि ये तपेली, ये इसका नाम तपेलू है, ये तपेलू में क्यों नहीं बना, लेकिन ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो तपेलू में ही बनती है। वो मैं आपको बता दूँ, हमने कुकर में बनाई थी लेकिन तपेलू में बनती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो वापस मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय। मैं ये लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरी टीम वेट कर रही है, बाय बाय। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250+ कंट्रीज में वैलिड है, नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो। एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात्स नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट। ये पद्मा की कुकर ना मेरे से नहीं होती है बंद। पद्मा ने मुझे ना पूरे जीवन परेशान किया, मैं पूरी पूरा जीवन ये मेरी गाली खाएगी। इसने ये कुकर लेके ना, हूँ तो तने एवं जाणू के तेव कीधेलू के मने पेला कुकर जोईए छे तेरी वो। आ कुकर केम आवू छे, आनु ढाकणू केम आवू छे, आ हस्बन्ड वाइफ जेवू केम छे, हस्बन्ड वाइफ हा तो अलग थी नखावे छे ने, એટલે હેન્ડલ પછી થી લખાવ્યા છે। देखो ये अगर फटा ना तो हम सब फटेंगे। नहीं फटेगा। हाँ।